कृषि कानून के विरोध में आंदोलित किसानों द्वारा घोषित भारत बंद के समर्थन में सड़क पर उतरे विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं से पुलिस की कई स्थानों पर झड़प हुई। भारत बंद का गोरखपुर में असर नहीं दिखा, बाजार खुले रहे, अलबत्ता सड़कों पर भीड़ और वाहन कम दिखे। आपको बता दें कि आंदोलित किसानों के समर्थन में सड़क पर उतरे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं से कई स्थानों पर पुलिस की झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। शहर में चप्पे चप्पे पर फोर्स मुस्तैद रही। ड्रोन और सीसी कैमरों से गतिविधियों की निगरानी हुई। वहीं शहर में गोलघर को छोड़कर सभी प्रमुख बाजारों की मंगलवार को साप्ताहिक बंदी होती है। वहां भी कुछ दुकानें खुली रहीं, जबकि गोलघर में करीब करीब सभी दुकानें खुली हैं। कुछ सपाई गोलघर में दुकानें बंद करने की अपील कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हटा दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी हुई। इस संबंध में सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने बताया कि महानगर में भारत बंद का बिल्कुल असर नहीं दिखा। प्रदर्शन कर रहे विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कहीं से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। सभी बाजार खुली रही। प्रदर्शन के दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, सीओ कोतवाली बीपी सिंह, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित और महिला थाना प्रभारी अर्चना सिंह सहित पुलिस फोर्स तैनात रही। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए विभिन्न पार्टी के कार्यकर्ताओं और सीओ कैंट सुमित शुक्ला ने कहा, अगर जरूरी ना हो तो हम एक बात का ध्यान सिर्फ विश्वसनीय सोर्सेज से मिली जानकारियों पर ही भरोसा करें। कोरोना वायरस को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग से लोगों से दूरी बनाना। हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस से पारिवारिक समारोह करें और नहीं किसी भी जाए कम से कम 1 मीटर यानी 3 फीट की दूरी बनाना और संक्रमण होने की शंका के चलते किसान
इन सब मैंने कहा कि हम तो आप देखिए बट्टा सच बताऊं।
किसान के समर्थन में भारत आंदोलन जो बंद आंदोलन हुआ है उसे हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हीं के आदेश से हम लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया। आज हम लोगों का भारत बंद का आंदोलन हुआ, इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के ताने पर। देखिए आज मोदी सरकार के कालों कानूनों के कारण देश का अन्नदाता किसान संकट में है। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी भारत बंद का समर्थन करती है और किसानों के सम्मान में आज कांग्रेस पार्टी मैदान में है। भाकपा माले जिला सचिव राजेश साहनी, आज जो है समूचा देश तीनों कृषि कानून को रद्द करने, बिजली कानून 2020 को रद्द करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करने जैसे तीन मांगों को लेकर के समूचे देश में जो आंदोलन हो रहा है, भारत बंद है, उसके समर्थन में भाकपा माले और एपोआ दोनों संगठन मिलकर आज गोरखपुर बंद करने की अपील कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि किसानों पर लाठी गोली चलाने के बजाय उनकी मांग तत्काल मांगी जाए और विशेष सत्र बुला करके किसानों के समर्थन में ये तीनों कानून रद्द किया जाए और जो है 2020 बिजली बिल तत्काल वापस लो। कीर्ति निधि पांडे, पूर्व प्रदेश प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। केंद्र की सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाया गया है जिसके खिलाफ पूरे देश का किसान आंदोलित है, आज किसानों द्वारा भारत बंद बुलाया गया था, उस बंद का समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था और हम लोग सड़कों पर निकले थे सिर्फ व्यापारियों से अनुरोध करने के लिए कि आप अपनी दुकानें अन्नदाता के पक्ष में बंद करें। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार हिटलर शाही नीति पर चल रही है, लगातार हमारे नेताओं की गिरफ्तारी, हमारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी जगह जगह की जा रही है। उसके बाद भी बड़ी ताकत में कार्यकर्ता हम निकले सड़कों पर और व्यापारियों से अनुरोध कर रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इशारे पर गोरखपुर के पुलिस और जिला प्रशासन ने टाउन हॉल चौराहे पर हमारे सभी साथियों को अरेस्ट करने का काम किया और पुलिस लाइन में बैठाने का काम किया। गोरखपुर में सारी बाजार खुली हुई है, ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा है। कुछ लोगों ने बंद करने का प्रयास किया तो उसको 140 का उल्लंघन किया, उनको डिटेन किया गया। बाकी सारा ट्रैफिक चल रहा है, सारी दुकानें खुली हैं, आम दिनों की तरह ही बाजार में चहल पहल है, किसी प्रकार की कोई भी बंदी यहां पे नहीं है। सर, विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ बलप्रयोग भी करना पड़ा? बल प्रयोग नहीं, कुछ लोग निकले थे जिनको पुलिस अपने तरीके से इनको थानों पे और पुलिस लाइन ले गई है, वहां अग्रिम विधिक कार्रवाई इनके विरुद्ध सुनिश्चित की जा रही है। सर, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है? अभी लगभग 100 लोगों के आसपास हुई है जो विभिन्न दलों के और संगठनों से जुड़े हुए हैं। अभी संख्या इकट्ठा की जा रही है, लेकिन लगभग 100 लोगों के आसपास है जो डिटेन किए गए हैं। कोई अपनी सूचना पूरे जनपद में कहीं नहीं, पूरे जनपद सामान्य दिनों के अनुसार ही चल रहा है, जैसे पर डे चलता है वैसे आज भी चल रहा है। मार्केट खुली हुई है और सारे कार्य रेगुलर वे में हो रहे हैं।